हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DSR क्लासेस। आज हमारे पास है JEE एडवांस 2022 का फिजिक्स का पेपर वन का सेक्शन वन। सेक्शन वन में 8 क्वेश्चंस हैं, तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में केवल ये 8 क्वेश्चंस। और ये सारे प्रॉब्लम्स थे, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप प्रॉब्लम्स हैं। इंस्ट्रक्शन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे, तो आप इसको पॉज करके अगर पढ़ना चाहें तो इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ सकते हैं। हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि टू स्फेरिकल स्टार्स ए एंड बी हैव डेंसिटीज रो ए एंड रो बी रेस्पेक्टिवली। तो दो स्टार हैं और उनकी जो डेंसिटी है वो रो ए और रो बी के बराबर है। ए एंड बी हैव द सेम रेडियस। ए और बी दोनों की रेडियस कैसी है? सेम है, लेकिन डेंसिटी अलग अलग है, ये गिवन है क्वेश्चन में। एंड देयर मासेज एम ए एंड एम बी आर रिलेटेड बाई एम बी इक्वल टू 2 ma। यानी बी का जो मास है वो एम के कंपेरिजन में डबल है, यानी बी की डेंसिटी 2 टाइम्स है ए के कंपेरिजन में। सो ड्यू टू एन इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार ए लूजेज सम ऑफ इट्स मास सो दैट इट्स रेडियस इज हाफ्ड। अब कोई इंटरेक्शन प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ए अपना मास लूज करता है और उसका मास इस तरह से कम होता है कि उसकी रेडियस हाफ हो जाती है। और उसका स्फेरिकल शेप कैसा रहता है? स्फेरिकल जो शेप जो है वो उसका बना हुआ रहता है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप उसका जैसा था वैसे ही बना रहता है, रिटेन्ड इट्स स्फेरिकल शेप, ये क्वेश्चन में गिवन है। डेंसिटी भी उसकी कैसी रहती है? सेम। द एंटायर मास लॉस्ट बाई ए इज डिपॉजिटेड एज ए थिक स्फेरिकल शेल ऑन बी। तो ए से जो भी मास डिक्रीज होता है वो सारा बी पर डिपॉजिट हो जाता है एज ए थिक स्फेरिकल शेल। और ए के मटेरियल की डेंसिटी जब वो बी के ऊपर डिपॉजिट होता है तब भी कैसी रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है, विद डेंसिटी ऑफ शेल बींग रो ए। अब वो कहते हैं कि इफ़ वी ए एंड वी बी आर दी एस्केप वेलोसिटीज फ्रॉम ए एंड बी आफ्टर द इंटरेक्शन प्रोसेस द रेशियो वी बी अपॉन वी ए इक्वल टू दिस देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ एन। तो जो 10n है इसमें n की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हम सबको पता है कितना होता है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2gm अपॉन r के बराबर, ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें g सभी को मालूम है कांस्टेंट है, एम होता है प्लैनेट का मास और आर होती है उसकी रेडियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे केस में जब इंटरैक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो ए का मास बदल जाएगा और उसकी रेडियस भी बदल जाएगी, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? 2gma' / ra'। तो हमने मान लिया है कि उसका मास कितना हो गया फाइनल ए का एम ए डैश और उसकी रेडियस कितनी हो गई है आर ए डैश के बराबर। सिमिलरली हम मान लेते हैं कि जो बी है उसका मास एम बी डैश हो गया और रेडियस आर बी डैश हो गई है, तो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी √2gma' / ra'b' के बराबर। इसका रेशियो निकालें तो उसको सिंप्लीफाई करने पर ये बचेगा वी बी अपॉन वी ए इक्वल टू एम बी डैश अपॉन आर बी डैश और आर ए डैश अपॉन एम ए डैश, ये आएगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है कि फाइनल मास बी का कितना है और उसकी रेडियस क्या है, फाइनल मास ए का कितना है और उसकी रेडियस क्या है। हालांकि मास ए का कितना हो जाएगा? m/8 हो जाएगा। अगर किसी भी स्फीयर की रेडियस को हाफ कर दें और डेंसिटी सेम रखें उसकी, तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसका मास कितना होगा? m/8 हो जाता है। बी का मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम मान लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी तरह से कि आर बी इक्वल टू आर ए इक्वल टू आर के बराबर है, ठीक है। और एम ए का जो मास है उसको हमने एम मान लिया, एम बी या बी का जो मास है वो कितना है? 2m के बराबर है। एम ए डैश कितना हो जाएगा? m/8। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप किसी की बी स्फीयर की रेडियस को r/2 रखेंगे तो मास कितना रह जाएगा? m/8 के बराबर, इनिशियल मास का 1/8 टाइम्स। तो जो हिस्सा बचा हुआ है वो m/8 है, तो जितना मास अलग होके चला गया वो कितना बचेगा? वो बचेगा 7m/8 के बराबर।
और जो मास 7m/8 है वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है, वो डिपॉजिट हो गया है बी के ऊपर, तो बी का फाइनल मास होगा 2m+7m/8 के बराबर। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई अगर हम इसको कर दें तो ये आ जाता है कितना, जाता है ये आ गया 23m/8। तो ये बी का मास है जब ए उस पर डिपॉजिट हो गया, ए का मास डिपॉजिट हो गया है तब। अब हमारा जो मेन टास्क है वो बचा हुआ है रेडियस कैलकुलेट करना बी की। तो बी की जो फाइनल रेडियस है उसको मान लेते हैं, या हमने पहले लिख लिया है, वो कितनी है आर बी डैश के बराबर है। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये देखो यहाँ पर इस डायग्राम में अंदर वाला जो स्फीयर है वो अंदर वाला स्फीयर कौन सा है, बी है, जिसकी रेडियस कितनी है आर बी के बराबर है, जिसकी रेडियस है आर बी, जिसको कि हमने आर लिखा है क्योंकि आर बी और आर ए दोनों आर के बराबर है। जो डैश शेडेड पार्ट है ऊपर, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ जो आप देख रहे हो, इस वाले हिस्से में किसका मास है, ए का मास है जो इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है, और इसकी रेडियस कितनी हो गई है फाइनली, कहाँ तक पहुँच गया, ये आर बी डैश तक, ये रेडियस हो जाती है आर बी डैश। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है कि ये आर बी डैश की वैल्यू है कितनी इन टर्म्स ऑफ आर निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इसका, इतना पोर्शन जो कि आर से लेके आर बी डैश तक है, अंदर वाले की रेडियस जो आर बी है वो आर बी एक्चुअली आर के ही बराबर है, यहाँ पर हम लिखा हुआ है कि आर बी और आर ए किसके बराबर हैं, आर के ही बराबर हैं। तो रेडियस कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, ए के उस मास की जो ऊपर डिपॉजिट हुआ है वो आर से लेके आर आर बी डैश तक, तो उसका वॉल्यूम निकालते हैं हम पहले कितना है, उसको आर ए की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मास निकल आएगा, और वो मास हमको पता है 7m/8 के बराबर होगा। ठीक है, तो 7m/8 इक्वल टू 4/3 πrb³ - 4/3 πr³ इंटू आर ए, ये हमने लिखा यहाँ पर। अच्छा, मैं यहाँ पर अपने आप को थोड़ा साइड कर लेता हूँ। तो ये हमने इतना यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें 7m/8 जो आप देख रहे हो, 7m/8 जो नज़र आ रहा है, ये किसका मास है, ये वो मास है जो B के ऊपर डिपॉजिट हो गया है, जो ऊपर थिक शेल है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πrb³ - 4/3 πr³, और डेंसिटी तो एक ही, और उसके ऊपर जो डिपॉजिट हुआ मटेरियल है ए का उसकी सेम है, तो इसलिए डेंसिटी रो ए के ही बराबर होगी। अब m की वैल्यू भी हम रख देते हैं, m क्या है, a का मास है, और a का मास कितना हो जाएगा, 4/3, a का मास हम लिख सकते हैं 4/3 πrb³ यानी आर क्यूब, आर ए आर के ही बराबर है, इंटू डेंसिटी ऑफ ए, इतना लिख सकते हैं। तो मैं m की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमको इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, तो जो जो कैंसिल हो गया है उसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचता है उसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो इतना आएगा, आर बी डैश क्यूब इक्वल टू 15/8 आर क्यूब के बराबर, यानी कि इतना रिजल्ट आता है। ठीक है, अब हम इसका क्यूब रूट ले लेते हैं, तो क्यूब रूट ले लें तो 15 की पावर 1/3 हो जाएगा, और 8 की पावर 1/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हुआ आर बी डैश इक्वल टू 15 की पावर 1/3 आर बाई 2, तो आर बी डैश भी आ गया। आर ए डैश किसके बराबर है, आर बाई 2 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि उसकी रेडियस आधी हो जाती है। और अब हम बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन था इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर और कैंसिलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 23√23/15³। तो इस क्वेश्चन में जो ऊपर 10n दिया हुआ है, उस 10n की जगह पर हमारे पास क्या आ रहा है, 23 आ रहा है, तो 10n इक्वल टू 23, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 2.3। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2.3। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, रोलिंग मोशन का एक क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन मैंने जो बनाया उसको जरूर देखना, वो सोल्यूशन आपको और कहीं मिलेगा नहीं, इतना शानदार सोल्यूशन है, बस 2-3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने, जिसमें इंक्लाइन प्लेन पर स्फीयर आ रहा है। ठीक है, अभी आएगा वो आगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर।
तो क्वेश्चन नंबर टू मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन था. क्वेश्चन ये है द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन दिस 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 इन ए लेबोरेटरी फ्रेम इज एन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एज्यूम दैट 7 एंड 16 इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम, यानी कि इनिशियली ये रेस्ट में है. मासेज ऑफ दिस 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 कैन बी टेकन टू बी, ये मास दिए हुए हैं इन सभी के रेस्पेक्टिवली, वेयर 1U इक्वल टू 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी रेस टू पावर माइनस टू. द वैल्यू ऑफ एन इज, तो हमको इसमें एन कैलकुलेट करना है. बेसिकली इस क्वेश्चन में निकालना ये है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, इस न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. एन क्या है इसमें, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन होती है दो तरह की, एक न्यूक्लियर रिएक्शन वो होती है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और एक वो न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें एनर्जी एमिट होती है, बाहर निकलती है. ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. ये वाली जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसकी अगर हम क्यू वैल्यू निकालेंगे तो ये नेगेटिव आती है. तो क्यू वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब ये है कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है. जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इसका मतलब ये है कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब तभी होगी ना जब एनर्जी मिलेगी कहीं से. तो एनर्जी कौन देता है, इसमें एनर्जी देने का काम करता है जो पार्टिकल आके टारगेट को हिट करेगा. इसमें टारगेट कौन है, ये 7N16 ये टारगेट है, और अल्फा पार्टिकल क्या है, ये प्रोजेक्टाइल है. तो प्रोजेक्टाइल ने टारगेट को हिट किया और रिएक्शन स्टार्ट हुई. तो प्रोजेक्टाइल के पास एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, और क्लास में हम कई बार इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं. थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, तो डायरेक्ट फार्मूले से ही हम करते हैं. थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है क्यू वैल्यू इंटू वन प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम. अब इसमें जो स्मॉल एम आप देख रहे हो, ये स्मॉल एम होता है मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, और ये कैपिटल एम होता है मास ऑफ द टारगेट. ठीक है, कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके केवल क्यू वैल्यू निकाल के आंसर दे दिया है, वो आंसर नहीं होगा इसका. केवल क्यू वैल्यू आंसर नहीं है, काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल की निकालना है तो क्यू वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा वन प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम से. ये मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम लगा के इसको कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, लेकिन जो एडवांस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब करने के बाद ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए. तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमने जो भी वैल्यूज दी हुई थी उसको हमने लिखना शुरू किया. तो वैल्यूज लिखते जाते हैं, क्यू वैल्यू निकाली हमने इसकी, क्यू वैल्यू कितना आएगा, मास का डिफरेंस निकालते हैं, मास डिफेक्ट निकाला और उसको 930 से मल्टीप्लाई किया इंटू वन प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम. स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, इसकी भी मैंने वैल्यूज रख दी हैं एम और कैपिटल एम की. तो सिंप्लीफाई करने पर जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो आएगी 2.32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आप याद रखो ये फार्मूला, और इस फार्मूले का अगर डेरिवेशन नहीं आए तो मैसेज करना, तो इसका डेरिवेशन भी कर देंगे, हालांकि मैं कई बार इस चीज़ को करा चुका हूँ. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो था थर्ड क्वेश्चन. इस थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने आज पहले ही बना दिया था, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है इसका पेपर वन का, और इसमें पेपर पेन तक उठाने की ज़रूरत नहीं है. इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैंने पोटेंशियल मान लिया 0 वोल्ट है, तो यहाँ ना तो पोटेंशियल का लॉस हुआ है कहीं पर, ना गेन हुआ है, इसलिए यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है. अब हमने इस बैटरी को क्रॉस किया, बैटरी को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो यहाँ पोटेंशियल में गेन होगा 2 वोल्ट का, तो यहाँ पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, इधर भी 2 वोल्ट है. तो C3 यानी कि C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट के बराबर है. C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2 वोल्ट, तो इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, मैं इसको Q3 लिख लेता हूँ. सपोज ये होगा C3 इंटू V के बराबर, और C3 कितना है, C3 दिया है क्वेश्चन में 4 माइक्रोफेराड, और V कितना है, 2 वोल्ट के बराबर है. तो ये हो जाएगा 8 माइक्रो कूलम, तो इसका आंसर हो गया 8 माइक्रो कूलम में. हालांकि ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि आप किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल चार्ज निकाल सकते हो वेरी इजीली.
जैसे यहां पर पोटेंशियल कितना लिया मैंने, जीरो, तो ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो इस C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 6 माइनस 2 यानी कि 4 वोल्ट के बराबर। और C1 की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 × 4 यानी कि 48 माइक्रोकुलम का चार्ज इस पर होगा। तो इस पर अगर चार्ज पूछा होता तो ये 48 माइक्रोकुलम आ जाता। C2 जो है इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसे दिख रहा है 2 वोल्ट है। C3 में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, C4 में भी 2 वोल्ट ही आएगा। तो किसी भी कैपेसिटर में चार्ज अगर वो पूछते तो आप इजीली निकाल सकते थे। इससे कहीं ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सिचुएशन ये है कि रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 2π/3 रेडियन। तो इसमें ये एक रॉड दी हुई है यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये एक रॉड दी हुई है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले, ये रॉड और ये एंगल कितना है, 2π/3 है। तो ये यहाँ वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री या π/3 आएगा। तो 2 सेंट विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस, द लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40/3 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एज शोन। यानी कि इस लेंस से ये वाला जो एंड है ऑब्जेक्ट का, इसकी डिस्टेंस कितनी दी है क्वेश्चन में, 40/3 सेंटीमीटर के बराबर दी है। अच्छा, द हाइट ऑफ द इमेज इज 30√3/13 यानी कि ये वाला जो एंड है इस रॉड का, ये जो टिप है इसकी, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है ये दी है 30√3/13 सेंटीमीटर के बराबर। एंड द एंगल मेड बाई इट विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज अल्फा रेडियन। और जो एंगल बनाया है इसने इमेज ने, ये कितना है, अल्फा रेडियन के बराबर है। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पाई अपॉन एन रेडियन। तो पाई अपॉन एन रेडियन हमें एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन हिम्मत बांध के करते जाओ क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले हमने इसमें निकालेंगे कि ये जो एंड है ये वाला और जो ये वाला है, इसकी इमेज राइट साइड में कहां पर बनती है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया हुआ है, कई बार मैं बता चुका हूं कि एग्जाम में कई बार बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो होती है ना, वो हमारा टाइम सेव करती हैं। जैसे कि इस वाले केस में जो लेंस या मिरर के फॉर्मूले होते हैं, तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि आपको फार्मूला 1/f = 1/v − 1/u की फॉर्मेट में याद है, वो तो सभी को याद होता है, लेकिन डायरेक्ट इस फॉर्मेट में भी याद होना चाहिए, जैसे v = fu/u + f। तो इससे क्या टाइम सेव हो जाता है, अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और मैंने वैल्यू कितनी रखी इसमें, एफ है 10, एफ को लिखा कितना, ये एफ को लिखा मैंने 10, यू को कितना लिख रहा हूँ मैं, −40/3। यानी मैं किस एंड के लिए, किस चीज़ की इमेज की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, जो ये वाला एंड है इसकी डिस्टेंस लिखी है मैंने, ये कितनी है 40/3। और नेगेटिव लिखेंगे ओबियसली इसको, और यू प्लस एफ, ये वैल्यूज रख के इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है 40 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये वाला एंड था, इसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, इस लेंस से कितनी डिस्टेंस पर, 40 सेंटीमीटर पर, पॉजिटिव आया इसलिए राइट साइड में। इसके बाद हम दूसरे वाले एंड के लिए सॉल्व करते हैं, v2 = तो अब v2 किसकी डिस्टेंस है, v2 से मेरा मतलब है, यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो रॉड थी, इस रॉड की जो लेंथ है वो दी हुई है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस आएगी 2 sin 60, और जो ये वाली डिस्टेंस है ये है 2 cos 60 के बराबर। 2 cos 60 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और 2 sin 60 होगा √3 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो लेंस के जो ऑप्टिक सेंटर है उससे रॉड का जो ये वाला एंड है, इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, 40/3 + 1 सेंटीमीटर। 40/3 + 1 कितना हो जाएगा, 40/3। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने लिखा है यहाँ पर −40/3, माइनस साइन बाहर है, इंटू 10, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है, माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया है,
और ये वैल्यू रखने के बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो वी टू की जो वैल्यू आती है सॉल्व करने पर, वी टू की वैल्यू आती है 430 by 13 सेंटीमीटर। ठीक है, वी टू कौन सी डिस्टेंस हुई, वी टू डिस्टेंस मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ये डिस्टेंस आई है वी टू और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है वी वन। ठीक है, तो ये जो अगर लेंथ हमको निकालनी है तो ये लेंथ आएगी वी वन माइनस वी टू के बराबर। और हाइट ऑफ द इमेज तो ऑलरेडी क्वेश्चन में अगर हम ना भी निकालें तो दी हुई है, कितनी है 30√3/13। तो एंगल अल्फा निकालने के लिए हमें सिंपल ये लिखना होगा 10α = (30√3)/13 और बेस कितना है वी वन माइनस वी टू के बराबर। तो वी वन माइनस वी टू की वैल्यू हमको अब निकालना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो V1 माइनस V2 अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर ये आ जाता है 90/13 सेंटीमीटर के बराबर, V1 माइनस V2। अब हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालते हैं, ये देखो फॉर्मूला, ऊपर हाइट ऑफ द इमेज होता है V अपॉन U इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें V, U और H नॉट यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सब विथ प्रॉपर साइन रखे जाते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू V2 अपॉन U2 इनटू H नॉट। तो मैं हाइट ऑफ द इमेज यानी कि V2 कौन सा वाला ले रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसमें V2 जो डिस्टेंस आई थी 430/13। तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी आती है 30√3/13। हालांकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब हाइट ऑफ द इमेज भी आ चुकी है, V1 माइनस V2 भी आ चुका है, काम बचा है टेन अल्फा को निकालने का। तो टेन अल्फा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर, टेन अल्फा अगर हमको निकालना है तो टेन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन से वाले ट्राइंगल में, ये वाले में। तो ये परपेंडिकुलर कितना यहाँ पर 30√3/13 है और बेस कितना है V1 माइनस V2, उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 90/13। उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टेन अल्फा की वैल्यू सॉल्व करने पर जाती है 1/√3, अल्फा जाएगा π/6 के बराबर। इसमें π/n रेडियन दिया हुआ था क्वेश्चन में, अल्फा कितना था π/n रेडियन था, हमारे पास अल्फा कितना है π/6, तो n की वैल्यू कितनी जाती है 6। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6। ठीक है, आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट टाइम t इक्वल टू 0 ए डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अब ये रोटेशन का क्वेश्चन आ गया है, रोलिंग मोशन के दो क्वेश्चन है इसमें। एट टाइम t इक्वल टू 0 ए डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट देखते जाओ, सारी SI यूनिट है। ए स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क एट t इक्वल टू 0, इट इज एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क एंड द प्लेन, डिस्क एंड द प्लेन। तो जो पार्टिकल स्टक किया है वो t इक्वल टू 0 पर, यानी कि इनिशियली कहाँ पर है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर है, सबसे नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है। लेटर एट टाइम t इक्वल टू √π/s द स्टोन डिटैचेज इटसेल्फ एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द डिस्क। तो √π/s के बाद ये पार्टिकल डिटैच हो जाता है, डिस्क आगे चली जाएगी और पार्टिकल डिटैच होगा और वहाँ से फ्लाई ऑफ करता है, डिटैच हो जाता है, फिर उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है। फिर उन्होंने पूछा है द मैक्सिमम हाइट इन मीटर रीच्ड बाय द स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन इज 1/2 + x/10 द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो मैक्सिमम हाइट उस प्रोजेक्टाइल मोशन में प्लेन से कितनी है, 1/2 + x/10 है, हमको एक्स कैलकुलेट करना है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पर। तो हमने बना ली एक डिस्क, तो इनिशियली ये डिस्क है टाइम t इक्वल टू 0 पर यहाँ, और इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें है 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो जो टाइम क्वेश्चन में गिवन है √π/s के बराबर, सॉरी बार बार मिस्टेक हो रही है टाइम में, √π/s जो है इस टाइम के बाद डिस्क कहाँ पर पहुँच गई है, यहाँ पर आ गई है। ठीक है, पहले यहाँ पर थी, जो टाइम दिया है उसके बाद डिस्क यहाँ पर आ गई है। जब डिस्क यहाँ पर आ जाएगी तो जो पार्टिकल स्टक हुआ था इसके साथ में वो कहाँ था इनिशियली, वो इधर था सबसे नीचे यहाँ पर था। अब वो पार्टिकल किसी एंगल से घूम चुका होगा या डिस्क किसी एंगल से रोटेट हो चुकी है। ठीक है,
तो डिस्क किसी एंगल से रोटेट हो चुकी है और जो पार्टिकल यहाँ स्टक हुआ था वो यहाँ कहीं पहुँच चुका है और यहाँ से वो डिटैच होगा, और डिटैच होने के बाद उसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको बताना है कि यहाँ से प्लेन से इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर जो एंगल है ये कितने एंगल के बाद डिटैच हुआ है, उस एंगल को हम कैलकुलेट करें। तो एंगल को कैलकुलेट करने के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ, काइनेमेटिकल इक्वेशन, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन रोटेशन की, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, अल्फा क्वेश्चन में गिवन है, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और थीटा कैलकुलेट करने पर आ जाएगा कितना, पाई बाई थ्री के बराबर। तो थीटा जाता है सॉल्व करने पर पाई बाई थ्री, तो थीटा को लिख देते हैं हम यहाँ पर पाई बाई थ्री। ये पाई बाई थ्री हमने थीटा की वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब कुछ और जरा एंगल की मेजरमेंट कर लेते हैं। ये पाई बाई थ्री है, मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची ये वाली, तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये पाई बाई थ्री है, इधर वाला एंगल पाई बाई सिक्स हो जाएगा, ठीक है। और जो ये एंगल आएगा ये भी कितना आएगा, पाई बाई थ्री। बहुत ही सिंपल सी ज्योमेट्री है, यानी पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ पाई बाई थ्री एंगल से प्रोजेक्टाइल मोशन पर जाता है। इनिशियल वेलोसिटी इन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसका हम पाई बाई थ्री लेंगे। अब एक चीज़ और आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, 1/2 मीटर के बराबर। क्यों होगी, रेडियस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 1 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ये होगा r माइनस r cos पाई बाई थ्री, और r की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 माइनस 1/2 यानी ये 1/2 आएगा, और ये भी कितना होगा नीचे, 1/2 मीटर के बराबर, ठीक है। तो ये 1/2 मीटर हो गया, ये डिस्टेंस तो 1/2 मीटर है। अब हमारा काम बचा हुआ है कि ये हाइट निकालना प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पार्टिकल ने अटेंड की होगी, ये वाली। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। अब उस हाइट निकालने के लिए मुझे ये चाहिए कि यहाँ पर जो पार्टिकल है जब यहाँ पहुँचेगा तो उसकी वेलासिटी क्या होगी, तो मैं एंगुलर वेलासिटी निकाल लेता हूँ, उसकी एंगुलर वेलासिटी कितनी है पार्टिकल की या डिस्क की। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी मैंने लिखा यहाँ पर, ओमेगा नॉट जीरो है, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इससे हमारे पास ओमेगा आ गया। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये मोशन प्योर रोलिंग मोशन है, इसलिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा आर के बराबर होगी। तो वी सी एम इक्वल टू ओमेगा आर को हम कितना लिख सकते हैं, 2/3 √π। आर की वैल्यू 1 मीटर है तो वी सी एम और ओमेगा न्यूमेरिकली इक्वली आएंगे। अब बढ़ते हैं और आगे, ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर, ये वेलोसिटी है वी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल जिससे डिटैच होगा, ये वेलोसिटी होगी वी सी एम, और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी जो इसकी थी उससे टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी इसकी, ओमेगा आर, उसका रिजल्टेंट, यानी कि मैं फिर बनाता हूँ, इसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पर, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वी सी एम और ओमेगा आर, इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये एंगल आएगा 120 डिग्री के बराबर। सिंपल सी ज्योमेट्री है ये पाई बाई सिक्स है, ये पाई बाई थ्री है, और इस तरह से यहाँ पर एंगल निकाल के देखो तो ये भी कितना है, पाई बाई सिक्स है, टोटल ऐड करेंगे तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो हमको वी मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं वेक्टर का, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसमें एक वेक्टर कौन सा है, वी सी एम है, दूसरा ओमेगा आर है। वी सी एम और ओमेगा आर के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। वी सी एम और ओमेगा आर की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, ध्यान रखना। तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना बचता है, ये कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आएगा, इसको आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2/3 √π के बराबर, ठीक है। 2/3 √π आ गया, ये वेलासिटी आ गई, ये सेंटर ऑफ मास की वेलासिटी नहीं है, ध्यान रखना, ये कौन सी वेलासिटी है, ये इसकी जो पार्टिकल डिटैच हुआ है इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, स्पीड है उसकी है। अब बढ़ते हैं और आगे, तो हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मैं 2 नहीं बोला था शायद अभी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैक्सिमम हाइट होती है। इसमें यू की वैल्यू कितनी है,
यू की वैल्यू जो अभी हमने यहाँ पर निकाली थी ये वाली रखेंगे, ठीक है। थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है तो वो कितना है, ये पाई बाई थ्री के बराबर है। और जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसको हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, इसको सिंप्लीफाई सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनली हमारे पास आता है वो आता है पाई बाई 60। अब जो टोटल हाइट हमारे पास हो जाएगी 1/2 तो ऑलरेडी निकाली चुके हैं हम यहाँ पर, ये 1/2 प्लस ये कितना आ चुका है पाई बाई 60। तो क्वेश्चन में उन्होंने इस तरह से एक्सप्रेस करने को कहा है कि 1/2 प्लस एक्स बाई 10, तो इसको 1/10 अगर हम बाहर कर दें तो एक्स बाई 10 का मतलब क्या है पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 की वैल्यू अगर हम डिवाइड करके यहाँ पर निकाल के रख दें तो 0.52 अपॉन 10 के बराबर आ जाएगी, यानी ये होगा 1/2 प्लस 0.52 अपॉन 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.52 के बराबर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.52, ठीक है, ये 0.52 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का सलूशन है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन का सलूशन सबको बेहतरीन, सबसे ज्यादा बेहतरीन आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस 1 meter रोल्स विदाउट स्लीपिंग। एक तो इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी बात यह कि डेटा बड़ा शानदार दिया है, मास 1 kg, रेडियस 1 meter एंड एंगल इज ऑल्सो वेरी, वैल्यू ऑफ एंगल इज ऑल्सो सिलेक्टेड वेरी गुड, इट इज 30 degree। तो साइन 30 जहां भी यूज होगा वो 1/2 हो जाएगा। तो ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg, रेडियस 1 meter, रोल्स विदाउट स्लीपिंग ऑन ए फिक्स इंक्लाइन प्लेन विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू 30 degree फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 newton ईच पैरेलल टू द इंक्लाइन एक्ट ऑन द स्फीयर, बोथ एट डिस्टेंस आर इक्वल टू 0.5 meter फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर एज शोन इन द फिगर। द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर डाउन द प्लेन इज, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमको बताना है कितना होगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि पैरेलल मोशन है इंक्लाइन प्लेन पर, तो फ्रिक्शन तो बहुत जरूरी है, लेकिन मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बगैर फ्रिक्शन को यूज किए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टॉर्क ले लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट। सो टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट कौन कौन से फोर्सेज टॉर्क देंगे इसको, तो मैं डायरेक्ट लिख कर देता हूँ थोड़ा। एक तो ये होगा mg sin θ, एक फोर्स ये लगा हुआ है F जिसकी वैल्यू कितनी है 1 newton है, एक और फोर्स है F, ये 1 newton के बराबर है। और mg sin θ का टॉर्क निकालना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी लेंगे हम, कैपिटल R के बराबर। और जो दूसरा वाला 1 newton है नीचे, इसकी डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है R, और जो ऊपर वाला है ये वाला है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R + R के बराबर, ठीक है। तो इक्वेशन लिखते हैं टॉर्क के अबाउट, नेट टॉर्क इक्वल टू I α। तो mg sin θ का टॉर्क होगा mg sin θ इंटू R। इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट तो वो कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। अब जो दूसरा टॉर्क है नीचे वाले फोर्स का जो कि R डिस्टेंस पे लग रहा है, इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो इसको भी हमने प्लस लिखा, इसको भी प्लस लिखा है, लेकिन जो ऊपर वाला फोर्स है 1 newton का, ठीक है, जो कि R + R पर है, इसका सेंस ऑफ रोटेशन अगर हम देखेंगे तो सेंस ऑफ रोटेशन आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो उसको हमने लिखा माइनस इक्वल टू I α। अब I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, लेकिन जिस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे उसी पॉइंट के अबाउट लेना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट हो जाएगा 7/5 mr² पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप खुद निकाल लोगे यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इनटू α। अब मैं इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देता हूँ। मास 1 था, जी 10 था, साइन 30 डिग्री है, आर 1 है, स्मॉल आर 0.5 है, और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 1.5 हो जाएगा ऐड होके 7/5। एम की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1, और अल्फा बच गया यहाँ पर, और मैं जरा थोड़ा साइड हो जाऊँ। अब अगली स्टेप में यहाँ से बचता है केवल 5 प्लस 0.5 माइनस 1.5 इक्वल टू 7/5 अल्फा। सिंप्लीफाई कर दें तो अल्फा कितना आता है 20/7। हमको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है, प्योर रोलिंग मोशन है, इसलिए ACM हो जाएगा अल्फा R के बराबर। तो ACM इक्वल टू अल्फा R, और R की वैल्यू कितनी है 1 meter है, तो 20/7 इंटू 1 इक्वल टू 20/7, और उसको सिंप्लीफाई कर दें, डिवाइड कर दें तो आएगा 2.86।
तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन आया 2.86 एंड इट इज वेरी सिंपल इजिएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमने फ्रिक्शन के चक्कर में नहीं पड़े क्योंकि हमने टॉर्क किसके अबाउट ले लिया था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट, तो फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर लग रहा होगा, उसी के अबाउट टॉर्क लग रहे हैं तो फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई, इस वाले क्वेश्चन को कई लोगों ने सॉल्व किया है एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह लगा के, लेकिन मैं एनर्जी के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, भले चाहे उससे आंसर थोड़ा जल्दी आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली जब हम इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ में d5/dt में और ldi/dt में एनर्जी कंजर्वेशन की बात करने लगते हैं तो फिर जरा बात बड़ी दूर तक जाती है, क्योंकि इंडक्टर के अंदर एनर्जी कंजर्व होती नहीं है। तो उस चीज़ को हम अभी अवॉइड करेंगे, हमारा फोकस हम सोल्यूशन पर रखते हैं। तो इसमें सिचुएशन ये है, कंसीडर एन LC सर्किट विद इंडक्टेंस L इक्वल टू 0.1 हेनरी एंड कैपेसिटेंस C इक्वल टू 10^-3 फेराड कैप्ट ऑन द प्लेन। तो ये सिस्टम क्या एक प्लेन में है, द एरिया ऑफ द सर्किट इज 1 m², पूरे सर्किट का जो एरिया 1 m² है, इट इज प्लेस्ड इन ए कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B0 विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किट। तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे प्लेन के, जिस प्लेन में ये सर्किट रखा हुआ है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। एट टाइम t इक्वल टू 0 द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्टार्ट्स इंक्रीजिंग लीनियरली एज b इक्वल टू b0+β t। तो चलो इस फंक्शन के हिसाब से बढ़ने लगती है, बीटा की वैल्यू है 0.04 tesla/s। द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द सर्किट इज, तो हमको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट निकालना है कितना होगा। डायग्राम बना देते हैं जरा, तो इसमें ये इंडक्टर हो गया और एक कैपेसिटर लगा देते हैं इसके साथ। वैल्यूज हम लिख देते हैं यहाँ पर, एरिया लिख दिया 1 m² है, मैग्नेटिक फील्ड है b=b0β t एंड बीटा इज 0.04 tesla/s। अब देखो जो फ्लक्स इससे पास हो रहा होगा वो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसा मान लिया वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना होगा, 0 degree होगा। बी डॉट ए होता है ना एक्चुअली फ्लक्स, तो बी ए कॉस थीटा। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल जो मर्जी हो वो ले लो, चाहे थीटा को 0 ले लो या 180 हमको, तो मॉडुलस से ही मतलब है यहाँ पर। तो फाई इक्वल टू बी ए, और किसी आर्बिट्ररी टाइम पर फ्लक्स हो जाएगा b0+β t इंटू ए। तो ये फ्लक्स मैंने लिखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल लेते हैं जिससे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हम निकाल पाएं इसमें। तो ये कितना जाएगा, बी ए के बराबर, बी नॉट कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जो नॉर्मल LC ऑसिलेशन के क्वेश्चन हम पढ़ते हैं उससे यहाँ पर सिचुएशन अलग है। जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है LC ऑसिलेशन का, उसमें होता यह है कि कैपेसिटर पर ऑलरेडी कुछ चार्ज होता है, फिर हम स्विच को क्लोज कर देते हैं, फिर ऑसिलेशन स्टार्ट होते हैं। या ऐसा होता है कि ऑलरेडी इंडक्टर में से करंट पास हो रहा है और कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पर इनिशियली ना तो कैपेसिटर पे चार्ज है और ना ही सर्किट में करंट है, यानी कि इनिशियली कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, इसके बाद t इक्वल टू 0 पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना स्टार्ट होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें याद रखें हम कि सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है नॉर्मल क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें इनिशियली कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है और ना ही इंडक्टर पर, इंडक्टर में कोई करंट पास हो रहा है, ये इनिशियल कंडीशन है। अब मैं एनर्जी को अवॉइड इसलिए करना चाह रहा था, यहाँ पर दो दो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ है d5/dt, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से है जो कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, दूसरा इंडक्टर में से जो फ्लक्स चेंज होगा उसकी वजह से ldi/dt। तो एक ldi/dt है और एक d5/dt है, दो दो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर हैं। ठीक है, अब किसी आर्बिट्ररी टाइम पर मैं रिलेशन लिखता हूँ, किसी आर्बिट्ररी टाइम टी पर मान लेते हैं कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, क्यू के बराबर है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो q/c है, और जो यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना है, β a के बराबर है। ठीक है, तो टोटल सर्किट में जो ईएमएफ है वो कितना है, β a - q/c, β a - q/c के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, ldi/dt के बराबर। आप चाहो तो इसमें KVL लगा के भी चेक कर सकते हो, हालांकि इसमें KVL
थियोरिटिकली एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लगाते हैं कंजर्वेटिव, वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है ना, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है। यहाँ पर जो फील्ड है ये कंजर्वेटिव है नहीं, तो इसके लिए हम इसको नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उससे आंसर तो खैर निकल आता है। लेकिन मैं इसको इफेक्टिव ईएमएफ लिख रहा हूँ, वो कितना है, बीटा ए माइनस क्यू बाई सी, और वो किसके बराबर हो गया, एल डी आई बाई डी टी के बराबर। अब इसको हमने नाम दिया, ये है इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के साथ एक बार और, तो बीटा ए का जो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि बीटा कांस्टेंट है, ए बी एरिया भी कांस्टेंट है। क्यू का डिफरेंशिएशन डी क्यू बाई डी टू होगा, जिसको कि हम अभी करंट के बराबर लिखेंगे, और ये हो जाएगा एल डी टू आई ओवर डी टी स्क्वायर के बराबर। और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और एडजस्ट किया तो ये हो गया डी टू आई ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बाई एल सी, और डी क्यू बाई डी टी कितना लिख दिया हमने, आई। अब ये I का सेकंड डेरिवेटिव I के ही प्रोपोर्शनल है और अपोजिटली डायरेक्टेड है, यानी कि किसकी कंडीशन हो गई, ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। यानी कि करंट का जो वेरिएशन है वो सिंपल हार्मोनिकली हो रहा है, तो करंट अगर सिंपल हार्मोनिकली चेंज हो रहा है तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आई को मैं लिख सकता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू होगी ये किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। एस एच एम में आपने सब रिव्यू में पढ़ा हुआ है, तो ओमेगा आएगा वन अपॉन अंडर रूट एल सी के बराबर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारा काम ये है कि आई नॉट और फाई की वैल्यू निकालें, दो कांस्टेंट है यहाँ पर, इन दो कांस्टेंट की वैल्यूज हम निकालते हैं इनिशियल कंडीशन से। इनिशियल कंडीशन मतलब टाइम टी इक्वल टू जीरो पर क्या सिचुएशन थी उससे, तो मैं टी इक्वल टू जीरो रखता हूँ इस इक्वेशन में। तो t इक्वल टू जीरो पर सर्किट में करंट कितना था, जीरो था। कैसे मालूम जीरो था, क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है, सडनली करंट को वो पास होने नहीं देगा। तो t इक्वल टू जीरो पर सर्किट में करंट कितना होगा, जीरो। तो इससे फाई की वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आ जाती है, जीरो। अब हम दूसरे कांस्टेंट आई नॉट की वैल्यू निकालेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू जीरो पर डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, टी इक्वल टू जीरो पर डी आई बाई डी टी कितना होगा। इसके लिए जरूरत पड़ेगी मुझे इक्वेशन नंबर वन की, जो कि मैंने पहले लिखी हुई थी। तो जरा मैं आपको इक्वेशन नंबर वन और दिखा दूँ, ये थी इक्वेशन नंबर वन। तो टी इक्वल टू जीरो पर डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको कैलकुलेट करना है टी इक्वल टू जीरो पर। तो टी इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर पर चार्ज कितना था, जीरो था, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर पर चार्ज जीरो था, इसलिए जीरो था क्योंकि करंट का फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ, तो कैपेसिटर पर चार्ज आएगा ही नहीं। जब जो इंडक्टर में से करंट, इंडक्टर जब करंट को अलाउ करेगा फ्लो होना, तो करंट फ्लो होते होते जब आएगा तब इस पर चार्ज भी एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। तो इनिशियली करंट भी जीरो है और चार्ज भी जीरो है। तो यहाँ पर चार्ज जीरो रखें तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू आती है बीटा ए अपॉन एल, बीटा ए अपॉन एल के बराबर, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितना लिखा मैंने, बीटा ए बाई एल, ये आई नॉट ओमेगा कॉस, और ओमेगा और टाइम की वैल्यू को जीरो, फाई तो ऑलरेडी हम जीरो निकाल ही चुके हैं। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो आई नॉट कितना जाता है, बीटा ए अपॉन ओमेगा एल के बराबर। आई नॉट, आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट है, करंट एम्पलीट्यूड है ये। तो आई नॉट इक्वल टू बीटा ए अपॉन एल ओमेगा। अब हम बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का काम बाकी रह गया है। बीटा ए अपॉन ओमेगा की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट एल सी थी, उसको रख देते हैं। तो आई नॉट इक्वल टू आता है बीटा ए अंडर रूट सी बाई एल। बीटा भी दिया है क्वेश्चन में, ए भी दिया है, सी भी दिया है, एल भी दिया है, रख देते हैं वैल्यूज। ये पूरी वैल्यूज रखने के बाद हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है आई नॉट इक्वल टू 4 मिली एम्पियर के बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर है 4 मिली एम्पियर में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन वन का, वो है ये 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्पीड वी एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा। व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डी। यानी कि पहले वाले केस में रेंज कितनी है, डी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी के बराबर है। इफ एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्टरी
द प्रोजेक्टाइल एंटर्स ए डिफरेंट रीजन वेयर इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 0.81। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जी अपॉन 0.81 सेकेंड हाफ में दोबारा जब प्रोजेक्ट किया, देन न्यू रेंज इज डी डैश इक्वल टू एन डी। तो जो नई रेंज आती है वो एन डी के बराबर, हमको एन की वैल्यू निकालनी है। तो इन द फर्स्ट केस, तो पहले वाले केस में क्या होता है, फर्स्ट केस में डी है 2u² sin θ cos θ / g। रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ / g, मैंने उसको थोड़ा ओपन करके लिख लिया है sin 2θ को, ठीक है। तो 2u² sin θ cos θ / g, और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी पहले वाले केस में, u² sin²θ / 2g के बराबर। इसमें सिंबल्स की मीनिंग क्या है, यूजुअल हैं जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी यू के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम किस पर, सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड केस में जब प्रोजेक्टाइल को फायर किया, तो कर दे प्रोजेक्टाइल को थ्रू किया, प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्टाइल को जब हमने यहाँ से फेंका है, तब इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है इसका फर्स्ट हाफ और एक सेकेंड हाफ है। फर्स्ट हाफ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, जो फर्स्ट हाफ है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रहता है, लेकिन जो सेकेंड हाफ है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है इस वाले हाफ में। इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया है, जी अपॉन 0.81, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, जी अपॉन 0.81 हो जाता है। यानी कि जो ये वाला हिस्सा है इसमें रेंज भी कैसी रहेगी, पहली वाली रेंज की हाफ के बराबर रहेगी, यानी डी बाई टू के बराबर। और रेंज बदलेगी तो इस वाले केस में बदलेगी जहां पर स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं भाई यहां से। तो हम इसमें निकालते हैं, पहले तो देखो कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, यू कॉस थीटा के बराबर होगी, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो गया होगा, और आधी रेंज कितनी है इधर, डी बाई टू है, मुझे बाकी आधी एक्स निकालनी है, और मैं एक्स प्लस डी बाई टू करूंगा तो नई रेंज निकल आएगी। अब एक्स निकालने के लिए मुझे चाहिए टाइम कि प्रोजेक्टाइल को ऊपर से मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट से, टॉप मोस्ट पॉइंट से यहाँ तक नीचे तक आने में टाइम कितना लगेगा। ये कौन सी हाइट है भाई, ये है मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्सिमम। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी वाई कितना है, जीरो है। तो टाइम कितना लगेगा इसको आने में, टाइम होता है टी इक्वल टू अंडर रूट 2h / g। जे एडवांस की प्रैक्टिस करते हैं इतना तो हमको याद ही हो जाता है, किसी चीज़ को ड्रॉप करें तो h हाइट से नीचे आने में टाइम कितना लगता है, अंडर रूट 2h / g के बराबर। लेकिन इस वाले केस में g की वैल्यू चेंज होके हो गई है जी अपॉन 0.81, ठीक है। तो हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है, टाइम टेकन बाई प्रोजेक्टाइल टू रीच ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, तो ये टाइम आएगा अंडर रूट 2gh maximum / g-, ये एच मैक्सिमम और नया वाला जी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, एच मैक्सिमम की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, जी डैश की वैल्यू जी अपॉन 0.81 हमने रख दिया, इसको सिंप्लीफाई करने टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आ जाती है 0.9u sin θ / g के बराबर। ये टाइम है नीचे आने का, इतने ही टाइम में प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी यू कॉस थीटा से चलती रहेगी। तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, डिस्टेंस कवर करेगी वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर, वेलोसिटी यू कॉस थीटा, और टाइम हम ये निकाल चुके हैं। तो एक्स इक्वल टू आएगा यू कॉस थीटा इंटू 0.9u sin θ / g, और फर्दर सिंप्लीफाई करने पर यह हो गया, सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा 9/10u² sin θ cos θ / g। अब ये जो u² sin θ cos θ / g है, ये तो वही पुरानी वाली रेंज की वैल्यू के बराबर है, डी के बराबर। अच्छा, इसमें टू मिसिंग है, ऊपर टू भी होता है, तो हमने टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टू से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2u² और नीचे 10 की जगह हो जाएगा 20, तो 9/20 × d। तो x की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है 9/20 × d के बराबर, ठीक है। और इतना हमारे पास आ गया है। अब नई रेंज कितनी होगी, नई रेंज आ जाएगी d/2 + 9d/20, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 19/20 d या 0.95 d के बराबर। तो n की जो वैल्यू आई इसमें वो होगी 0.95 के बराबर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन।
तो स्टूडेंट्स, इस आज हमने सेक्शन वन के सॉल्यूशन का डिस्कशन किया आपके साथ में। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, या मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो तो आपने कमेंट में लिखना, और मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें होता है यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। जो आज का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन मैं कहूँ कि जो मैंने बाकी लोगों से अलग हट के दिया है, और जो कि तुमको काफ़ी आगे भी काम आएगा जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो था क्वेश्चन नंबर 6 का, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैंने टॉर्क लिया है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट, फ्रिक्शन को अवॉइड किया, और इससे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था बहुत ही सिंपल और बड़े जल्दी आ गया है। तो सेक्शन वन का ये डिस्कशन मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, और पेपर वन के जो बाकी सेक्शन है उनको जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो उनका डिस्कशन में लेके आता हूँ, फिर पेपर टू का भी सोल्यूशन हम बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।